अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफजल। आज हम करेंगे सेकंड टॉपिक, जो कि सब टॉपिक ही है पहले का, जिसकी हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनाइड। सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों सोलेनाइड क्या है। कॉपर वायर आसानी से अवेलेबल होती है, आम घरों में तारे हैं उनको छीने अगर तो अंदर कॉपर वायर है, कॉपर की तार है। कॉपर वायर लेके एक पीस उसका, उसकी क्वाइल बनानी है। क्वाइल किस तरह के उसके टर्न बड़े क्लोज क्लोज हों, आपको वीडियो में नजर भी आ रहा होगा। कॉपर की तार के अगर जो लूप्स हैं क्लोज क्लोज लूप्स दे दिए जाएं, टर्न्स दे दिए जाएं, वो क्वाइल क्या कहलाएगी, उसे हम सोलेनाइड कहेंगे। जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, जैसे पेंसिल के अंदर स्प्रिंग है, उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल कैसी है, सोलेनाइड की तरह की है। अगर उसी तरह से कॉपर की तार को शक्ल दे दी जाए तो उसे सोलेनाइड कहा जाता है। अब सोलेनाइड में से हमने देखना है जब करंट गुजारी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी पैदा होती है। जैसे पिछले टॉपिक में हमने एक स्ट्रेट वायर में से, सीधी तार में से स्टेडी करंट गुजार के देखा तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड थी, क्लॉकवाइज और या एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड रूल के मुताबिक उसकी सिमत भी देखी थी हमने। अच्छा, अब आइए देखते हैं सोलेनाइड को करना क्या है। हमने सबसे पहले सोलेनाइड की एक साइड को बैटरी के टर्मिनल से और सोलेनाइड की दूसरी साइड को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से अटैच कर देंगे। जैसे ही हम सोलेनाइड को बैटरी के साथ अटैच करेंगे, इस सोलेनाइड में से इन क्वाइल्स के टर्न्स में से क्या गुजरना शुरू हो जाएगी, करंट गुजरना शुरू हो जाएगी। आपके सामने है कन्वेंशनल करंट है और वो करंट किस तरफ से किस तरफ होती है, पॉजिटिव से किस तरफ, नेगेटिव की तरफ। ये करंट की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है। जैसे ही इन क्वाइल्स में से, इन लूप्स में से, इस पूरी क्वाइल के लूप्स में से, जिसे हम सोलेनाइड कह रहे हैं, करंट गुजरेगी। करंट गुजरेगी किस तरह से, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां से करंट आई, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से करंट गुजरती जा रही है ऐसे। जब इनमें से करंट गुजरेगी, हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरती है तो करंट के गुजरने की वजह से उस क्वाइल या उस कंडक्टर के गिर्द क्या पैदा हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके सामने है जब इस लूप जो है सोलेनाइड के जो लूप्स हैं इनमें से करंट गुजरेगी तो इसके गिर्द क्या पैदा हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, जो इस क्वाइल के अंदर भी होगी, अंदर बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस की तरह, और बाहर कर्व की शक्ल में, सेमी सर्कल की शक्ल में, आधे सर्कल की शक्ल में ये आपको नजर आ रही होगी, टर्न लेती हुई। अब इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि बार मैग्नेट की है। बार मैग्नेट क्या है, परमानेंट मैग्नेट है। बार का लफ्ज सुना होगा आपने, लॉन्ग बार, बिल्कुल लंबी सी एक पट्टी होती है जिसे बर्तन वगैरह धोते, इसी तरह की स्ट्रक्चर को बार कहते हैं। बार मैग्नेट एक चपटी सी, बिल्कुल ऐसा सा मैग्नेट, बिल्कुल चिपटा सा ऐसा मैग्नेट, जिसका आधा हिस्सा नॉर्थ है, आधा हिस्सा साउथ है, क्योंकि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसकी शक्ल, इसकी वर्किंग सब कुछ बिल्कुल कैसी है, परमानेंट मैग्नेट की जैसी, जैसा कि बार मैग्नेट है। कैसी उसके जैसी है, जरा देखिए, इसमें कुदरती तौर पे मकनातीसियत है नेचुरली, और उस मकनातीसियत की वजह से इसमें से क्या निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या ये भी इसी तरह से बिहेव नहीं कर रहा, ये क्वाइल भी क्या इसी तरह की बिहेवियर नहीं दे रही, मसलन जब इनमें से मैंने करंट गुजारी तो इसके गिर्द भी क्या पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और वो कैसी है, जरा देखिए, इसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हम जानते हैं कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और किस तरफ जाती हैं, साउथ की तरफ। इसका मतलब ये साइड नॉर्थ है और ये साइड साउथ है, नॉर्थ से निकल के किस तरफ जा रही हैं, नॉर्थ से इमर्ज हो रही हैं और साउथ में दाखिल हो रही है, नॉर्थ से निकल के साउथ में दाखिल होती जा रही है। इसी तरह से जब इस क्वाइल में से करंट गुजरता है, करंट गुजरने की वजह से इस क्वाइल के अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड, इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड, जिसे बी के साथ जाहिर किया जाता है, वो प्रोड्यूस हो जाती है। ये यहां से निकल रही है इस तरफ जा रही है, यहां से निकल रही है इस तरफ जा रही है, यहां से निकल रही है इस तरफ जा रही है। इसका मतलब ये क्या बन गया, नॉर्थ, और ये क्या बन गया, साउथ। तो इसका बिहेवियर बिल्कुल किसके जैसा है, बार मैग्नेट की तरह, परमानेंट मैग्नेट। तो क्या ये मकनातीस नहीं बन गया, क्या ये इसके जैसा बिहेवियर नहीं दे रहा, तो इस मकनातीस का नाम बार मैग्नेट तो नहीं है, इस मकनातीस का नाम हमने रखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट जो कब बनता है, जब उसमें से क्या गुजारी जाए, करंट गुजारी जाए। जैसे ही करंट खत्म करेंगे ये दोबारा से सिंपल सी क्वाइल रह जाएगी। ये मकनातीस कब बना, नॉर्थ और साउथ पोल कब तक इसके पास रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कब तक रहेगी, जब तक इसके साथ क्या अटैच है, बैटरी अटैच है। जैसे ही आप इससे बैटरी हटा लोगे, इसकी मकनातीसियत खत्म हो जाएगी,
ऐसे मकनातीस को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। वो मकनातीस, वो मैग्नेट जो करंट के फ्लो की वजह से बने, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। जबकि हम बार मैग्नेट की बात करें, अब इसकी नॉर्थ और साउथ पोल का पता कैसे चलेगा, नॉर्थ और साउथ पोल का पता कैसे चलेगा, इसके लिए हम रूल भी इस्तेमाल करेंगे और इसको पता चलाने के लिए मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। अच्छा तो बच्चों मुझे पता कैसे चला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है, ये सोलेनाइड अब एक मैग्नेट है, मकनातीस है, कैसे पता चला? हाफ लेके जाऊंगा तो मकनातीसियत मुझे नहीं खेच पाएगी। इसका मतलब इसकी मकनातीसियत या इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट होने का सबूत कैसे पता चलेगा? जब मैं इस सोलेनाइड के करीब एक बार मैग्नेट को लेके गया, एक मुस्तकिल मकनातीस को, जो परमानेंट है मकनातीस, जो खुद से नहीं बनाया गया, उसको करीब लेके गया, तो इसने जब इसके नॉर्थ पोल के सामने इसका नॉर्थ पोल रखा, इसने एक दूसरे को क्या करना शुरू कर दिया, दफा करना शुरू कर दिया, इस क्वायल ने इसको परे हटाना शुरू कर दिया। इसका मतलब मुझे ये पता चला इसके पास मकनातीसियत है, इसके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जिसकी वजह से इस क्वायल ने, इस सोलेनाइड ने, इसमें से करंट गुजर रही थी, एक परमानेंट मैग्नेट को अपने से परे हटा दिया। परे हटाना, इसका परे हटाना, नॉर्थ का नॉर्थ के सामने आना, ये साबित करता है कि इसके पास भी नॉर्थ पोल है, इसके पास साउथ पोल भी है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन बदल के इसके पास लेके आया, दूसरी दफा मैं इसे साउथ और नॉर्थ उलट के लेके आया इसके पास, तो क्या नतीजा निकला? इसने इसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसे साबित यह हुआ कि ये जो क्वाइल है, जिसे सोलेनाइड कहते हैं, जिसमें से क्या गुजारी गई है, करंट गुजारी गई है, ये एक मकनातीस बन चुकी है। उस मकनातीस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या तारीफ है? द मैग्नेट विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक ऐसा मैग्नेट जो करंट के फ्लो की वजह से बना है। करंट का फ्लो हटा दीजिए, करंट का फ्लो खत्म कर दीजिए, ये दोबारा से क्वाइल रह जाएगी, ये सोलेनाइड रह जाएगा। ये सोलेनाइड इलेक्ट्रोमैग्नेट कब बनता है? जब इस सोलेनाइड में से क्या गुजारी जाए, करंट गुजारी जाए। इस करंट की वजह से इसके गिर्द क्या पैदा हुई थी, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड किनके पास हुआ करती है? मैग्नेट्स के पास। और ऐसे मैग्नेट को जिसमें से करंट गुजार के मकनातीस बनाया जाए, उस मैग्नेट को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जिसके पास मुस्तकिल नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो, उसे परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है। ये फर्क भी है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में। ऐसा मैग्नेट जिसके पास नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड है, वो परमानेंट मैग्नेट है। और एक ऐसा मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कब आती है, जब उसमें से क्या गुजारी जाए, करंट गुजारी जाए। जैसे हमने सिंपल एक तार में से करंट गुजारी थी, उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई थी, वो भी एक मैग्नेट बन चुका था। लेकिन ये किसके जैसा मैग्नेट है? बार मैग्नेट के जैसा मैग्नेट है। वो सिंगल तार जो थी वो बार मैग्नेट जैसी नहीं थी। ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये क्वाइल सोलेनाइड कैसा बिहेव कर रहा है? बिल्कुल उसके जैसा, जैसा कि बार मैग्नेट होता है, जैसा कि मुस्तकिल मैग्नेट होता है, उसकी तरह बिहेवियर कर रहा है। और उसकी निशानी, उसका सबूत ये है कि जब उसके नॉर्थ पोल के सामने बार मैग्नेट का नॉर्थ लेके आया, तो उसने रिपेल करना शुरू कर दिया। जब इसके नॉर्थ के सामने मुस्तकिल मकनातीस का साउथ लेके आया, तो उसने ट्रैक करना शुरू कर दिया। जो सबूत है कि ये एक मकनातीस बन चुका है, ये सोलेनाइड अब एक मैग्नेट है, और उस मैग्नेट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। आइए बच्चों अब देखते हैं इस मकनातीसी जो फील्ड है, इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलाएगी, पता कैसे चलेगा नॉर्थ पोल किस तरफ है, साउथ किस तरफ है। हमेशा ही तो नहीं हमने इसके पास बार मैग्नेट लेके आना, हमारे पास बार मैग्नेट नहीं है, तो कैसे पता चलाया जाए इस मकनातीस के पास नॉर्थ किस तरफ है और साउथ किस तरफ है, आइए देखते हैं। तो बच्चों बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनाइड। सोलेनाइड जो एक सिंपल सी कॉपर की वायर है, जिसे क्वाइल की शक्ल दी जाती है, क्लोज्डली लूप क्वाइल, उसे सोलेनाइड कहते थे। उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल किस तरफ है, बार 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 मैग्नेट लेके आके तो नहीं चेक करना। हमारे पास बकायदा से एक रूल होना चाहिए जिसके जरिए हम इसकी डायरेक्शन का पता लगा सके। वो राइट हैंड रूल ही है, जैसा कि हमने राइट हैंड रूल पीछे यूज किया था, जिसमें थंब किसकी डायरेक्शन बताता था, करंट की, जबकि कर्लिंग फिंगर डायरेक्शन बताती थी उस तार के गिर्द पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड के मुतालिक। वही राइट हैंड रूल, वही राइट हैंड, अब थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंजिंग है? अब देखिए करंट जारी है इस तरफ से, इस तरफ, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड से लेफ्ट साइड, पॉजिटिव मैंने इस तरफ कनेक्ट किया है, नेगेटिव से जा, ये करंट इस तरह से लूप्स को कवर करती करती करती, ये है आपका हाथ राइट है, ऐसे रखा हो इस तार के, इस क्वाइल के ऊपर से, सोलेनाइड के ऊपर से ऐसे रखा हो। अब ये जो मुड़ती हुई उंगलियां है, मुड़ती हुई उंगलियां, फर्स्ट फिंगर, ये देखे नीचे मेरी, मेरे हाथ के नीचे क्या आ रही है, क्वाइल्स आ रही है कि नहीं आ रही, लूप्स, पहले ये लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप,
चौथा लूप, पांचवा लूप और ये लूप्स नीचे जा रहे हैं। याद रहे ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं, अब डायरेक्शन बताएंगी किसकी, करंट की, लूप्स की करंट, लूप्स में से गुजरने वाली करंट की डायरेक्शन अब कौन बताएगी, फिंगर्स। पहली फिंगर बता रही है कि करंट ये आए, दूसरी फिंगर बता रही है करंट ये मुड़ी, तीसरी फिंगर ये मुड़ी, करंट मुड़ती जा रही यहां से होती है बाहर निकल गई। इसका मतलब मुड़ती ही उंगलियां किसकी डायरेक्शन बता रही हैं, मुड़ती हुई उंगलियां मेरी राइट हैंड की करंट की डायरेक्शन को बता रही, जबकि थंब किसकी डायरेक्शन को बताएगा, थंब बताएगा भाई ये जो सीमत है, ये जो थंब की सीमत है ये बताएगी यहां पे है नॉर्थ पोल, यहां पे है साउथ पोल। इसका मतलब थंब की डायरेक्शन मुझे बताएगी कि नॉर्थ किस तरफ आने वाला है, ये है नॉर्थ पोल और आपके सामने है नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है और साउथ पोल में दाखिल हो रही है, फिर वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से होके बाहर निकलती जाएगी। इसका मतलब मुड़ती हुई उंगलियां सोलेनाइड के अंदर, मुड़ती हुई उंगलियां उसकी क्वाइल में से गुजरने वाली करंट के मुतालिक बताती हैं, जैसे ढोल लपेटते हैं हम इस तरह से, और जबकि ये जो अंगूठा है ये सीमत किसकी बताएगा कि भाई इस तरफ आने वाला है नॉर्थ पोल। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ये मैग्नेट बन चुका है ना, इस मैग्नेट का नाम अब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। नॉर्थ पोल कौन बता देगा, अंगूठा बता देगा, थंब हमारा बता देगा भाई जिस तरफ थंब है उस तरफ क्या है नॉर्थ पोल और थंब के बिल्कुल अपोजिट क्या है साउथ पोल, और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी, साउथ में एंड हो रही होंगी। ये था टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनाइड, और फिर हमने इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनाइड भी देखी। सो डिटेल से हमने ये टॉपिक को समझा, और याद रहे बच्चों हर लूप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या करता जाता है, ज्यादा से ज्यादा, जितने लूप ज्यादा होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर और बाहर स्ट्रांग होगी, जितने छोटे थोड़े लूप्स होंगे उतनी उसमें से करंट थोड़ी गुजरेगी, जबकि उसके गिर पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ी होगी। जितने बड़ा वो लूप होगा सोलेनाइड होगा, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उस क्वाइल के उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसके गिर पैदा होगी। इसका मतलब हर लूप स्ट्रेंथन करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ज्यादा इम्पावर करता है, और जितने ज्यादा लूप उतनी मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनाइड के गिर ज्यादा अंदर ज्यादा। ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। मजीद अगर गुंजाइश रह चुकी हो तो आप कमेंट्स के अंदर जरूर सवाल पूछिए और अपनी सजेशन जरूर दीजिए, अराद जरूर दीजिए, और हमें आप कमेंट्स के जरिए मुख्तलिफ टॉपिक्स के मुतालिक बता सकते हैं कि ये टॉपिक करें, ये चैप्टर शुरू करें, इंशाल्लाह से हम वो जरूर करने की कोशिश करेंगे। मेरी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।